हेलो फ्रेंड, मैं अर्शद अय्यूब गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का लेक्चर त्रिकोणमिति का आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि शायद आज का क्लास उतना एनर्जी आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा सर्दी खांसी वगैरह मौसम का थोड़ा सा प्रभाव पड़ गया है जिसके वजह से शायद आज उतना एनर्जी ना मिले, लेकिन आपको जो मटेरियल मिलना है, जो कॉन्सेप्ट मिलना है, वो पूरी तरह से मिलेगा। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। जहाँ तक हम लोग लास्ट किए थे वहीं से शुरू करेंगे। और त्रिकोणमिति में चार क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है कि टेन 240 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि कॉस 225 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि साइन 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर फोर ये कह रहा है आपसे कि साइन 350 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप हर क्वेश्चन में दो दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो प्लस वाले टर्म मिला करके, या जो जिस पे हमने ज्यादा फोकस किया है माइनस वाला टर्म, उस पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आमतौर पे जो वैल्यू मैंने निकालना सिखाया है, जो चेंज और नो चेंज का केस बताया है, वो चार केस था। या तो जीरो डिग्री है, या तो जीरो डिग्री, या 90 डिग्री, या 180 डिग्री, या 270 डिग्री, या तो फिर 360 डिग्री। पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनता है तो वो 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे बात करें कि जीरो डिग्री, ये तो जीरो डिग्री है, और जीरो डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो आता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, जहाँ पे सभी पॉजिटिव होता है। और 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो आता है वो आपका क्या होगा, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। और 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में अगर होता है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, दैट इज टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सभी नेगेटिव होगा। और 270 से 360 के बीच में अगर रहेगा तो आपका क्या होगा, सिर्फ सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सभी नेगेटिव होता है। चेंज और नो चेंज का केस मैंने बताया हुआ है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के केस में चेंज होगा, अदरवाइज चाहे आपका 180 डिग्री हो या 360 डिग्री हो तो उसमें चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू आपका क्वाड्रेंट, है ना। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं पहले 240 डिग्री को का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। ये सब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, स्पेशली रेलवे वगैरह में, एनटीपीसी वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड देखिए, टेन 240 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो टेन 240 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसके क्वाड्रेंट का हम लोग देखेंगे। तो टेन 240 डिग्री का वैल्यू, टेन 240 डिग्री किसके किसके बीच में आ रहा है, तो 180 और 270 के बीच में आ रहा है। तो 180 और 270 के बीच में अगर आ रहा है तो कौन कौन पॉजिटिव होगा, तो सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सारा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे तो टेन ही थीटा की बात किया जा रहा है, टेन ही का बात किया जा रहा है, यानी जो आंसर आएगा वो क्लियर है कि आंसर किस में रहेगा, आपका पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में नहीं रहेगा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 240 डिग्री को, तो टेन 240 डिग्री को आप दो तरह से लिख सकते हैं, पहले माइनस वाला के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करूं कि टेन, हमें क्या करना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री के केस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल दो, अगर माइनस वाला टर्म से हमें बनाना है तो ज़्यादा वाला लेकर के चलना होगा, यानी 240 के जस्ट बाद कौन सा एंगल आ रहा है, 240 के बाद तो 180 आएगा, नहीं 240 किसके बाद पहले आएगा, तो 270 के पहले आया होगा, यानी इसके बाद कौन है, 270 है। तो 270 को यहाँ पर 270 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे अगर माइनस वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। तो 270 के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप ये बताएं कि हमें यहाँ पे टेन थीटा लेना है, टेन 240 डिग्री लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी टेन 240 डिग्री ही लिखना होगा। तो टेन 240 डिग्री लिखने के लिए हमने तो 270 डिग्री लिख दिया जो कि गलत हो गया। अब इसको 240 डिग्री कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें 30 डिग्री लेस कर दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, अगर 30 डिग्री लेस कर दे तो 240 डिग्री बन जाएगा ना। अब यहाँ पे चेंजिंग का केस आपको पता चल गया होगा कि जब 270 डिग्री का बात हो, जब 270 डिग्री का बात होता है फ्रेंड, तो क्या होता है कि चेंज होता है। और टेन किस में चेंज होता है, तो टेन आपका चेंज होता है किस में, तो टेन कॉट में चेंज होता है। कॉट
थीटा यानी 270 को छोड़ देंगे और बचा हुआ अब जो पार्ट है ये 30 डिग्री से इसको लेके चलेंगे, तो 30 डिग्री इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो रूट थ्री होता है, रूट थ्री आपका आंसर हो जाएगा। चूंकि एग्जामिनेशन में आपके पास इतना समय नहीं होगा, एग्जामिनेशन में आपके पास इतना समय नहीं होगा तो इसको कैसे बिना स्टेप के हम लोग बना सकते हैं, सॉरी tan 270 डिग्री माइनस 30। एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन के लिए तो आपके पास समय होगा, लेकिन जो क्वेश्चन जिस तरह से आपसे पूछा जाएगा इसका ग्रुप रहेगा, ग्रुप ऑफ दिस टाइप ऑफ वैल्यूज, tan 240 प्लस tan इतना प्लस tan इतना, तो इतना लिखने का समय नहीं होगा आपके पास। तो नॉर्मली आपको क्या करना है कि देखिए इसके जस्ट बाद कौन आ रहा है, 90 आ रहा है, 180 आ रहा है, 270 आ रहा है या 360 आ रहा है, तो 360 आ रहा है ना, सॉरी 270 आ रहा है ना, तो ये जस्ट इसके बाद ये चारों में से कौन आ रहा है, 0, 90, 180, 270 और 360, ये चारों में से जस्ट बाद 240 के जस्ट बाद कौन आता है, तो 270 आता है। तो आपको नॉर्मली बस यही कर देना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर दें कि टेन को अगर 270 अगर आ रहा है, जस्ट बाद अगर 270 आ रहा है, दैट मीन्स ये चेंज होगा, तो टेन आपका किस में चेंज हो जाएगा, तो टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, और 270 जो आ रहा है वो कितना बाद आ रहा है, तो 40 में 40 से कितना ज्यादा आपका 270 है, तो 40 से 30 ज्यादा आपका 270 है, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 30 डिग्री। अगर आपको समझ में आ गया हो वीडियो पॉज को करके, अभी भी तीन क्वेश्चन है आप लोग बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे अब देखिए बात करते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा में यहाँ पे कितना डिग्री का बात किया जा रहा है, तो 225 डिग्री का बात किया जा रहा है, तो 225 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो 225 डिग्री का अगर बात किया जा रहा है तो 225 डिग्री आपको यहां दिखाई दे रहा है। अब ये बताइए कि 225 के अगर डायरेक्ट बनाने के लिए मैं बता रहा हूं, 225 के जस्ट बाद क्या आएगा, क्या 225 के जस्ट बाद 180 आएगा, नहीं ना, 225 के जस्ट बाद क्या आएगा, 270 आएगा, है ना, इधर तो हमें इन्हीं नहीं करना है, यानी कितना आएगा 270 आएगा, यानी 270 अगर आएगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, चेंज का केस होगा, 270 के केस में क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे कॉस किस में चेंज होगा, तो साइन थीटा के रूप में चेंज होता है, कॉस साइन के रूप में चेंज होता है। अब ये बताइए कि कॉस के जस्ट बाद 270 तो आता है, लेकिन कितना बाद 270 आता है, कितना के बाद आएगा, यानी 225 में और कितना बढ़ा दिया जाए कि 270 आ जाएगा, तो 225 में आप अगर 45 बढ़ा देते हैं तो कितना आता है, तो 225 में अगर 45 आप बढ़ाते हो तो आपका कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, यानी कि 45 इंक्रीज करना पड़ेगा ना। आप यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हैं कि 270 में अगर कंफ्यूज हो तो आप क्या करें कि 225 को आप घटा दें, तो यहाँ कितना आएगा, 5, 6 में से 2 गया 4, यानी कितना डिग्री, तो 25 डिग्री अगर और बढ़ेगा तो 270 डिग्री आएगा। तो कॉस में साइन के साथ क्या लग जाएगा आपका, तो साइन के साथ कितना डिग्री लग जाएगा, तो 45 डिग्री और बढ़ा दें, 45 डिग्री और बढ़ाने से मेरा क्या बन रहा है, 270 डिग्री बन रहा है, इसलिए साइन के साथ कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री होगा, जबकि कॉस के साथ कितना डिग्री लगा हुआ है, तो कॉस के साथ 225 डिग्री लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, क्लियर है। या फिर अगर आप इसको पूरा कॉन्सेप्ट से बनाना चाहते हैं तो ऐसे करके बना सकते हैं कि कॉस अब बताएं यहाँ पे 270 डिग्री का केस लग रहा है, तो 270 डिग्री में क्या घटाया जाए कि 225 आ जाए, तो यहाँ पे 45 डिग्री अब हो जाएगा, चूंकि कॉस और कॉस ही लिखे हैं तो इसके बराबर होना चाहिए, तो 225 के बराबर होने के लिए 270 में कितना घटाएंगे कि कितना आएगा, 225 आएगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर मैंने वैल्यू लिखवाया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होता है, तो 270 का केस है, यानी कि ये साइन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 270 को नहीं लिखते हैं, हमेशा हमें कौन सा एंगल लेके चलना होता है, लास्ट वाला यानी न्यून कोण को, यानी 45 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका कि 1/√2 हो जाएगा। इसको चाहे तो आप एक और मेथड से बना सकते हैं कि प्लस वाला एक टर्म भी लगता है, प्लस वाला टर्म लगने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ अगर 225 डिग्री की मैं बात करूँ तो 225 डिग्री में 225 डिग्री आमतौर पर देखा जाएगा तो कितना आ रहा है, 270 के केस में आ रहा है ना, 270 के केस में आ रहा है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कितना जोड़ने के बाद आपका आप इसको 180 डिग्री मतलब बेसिकली इसको 180 डिग्री वाला केस में भी बना सकते हैं। तो 180 डिग्री वाला केस में कैसे बनेगा, तो यहाँ पे कॉस
cos 225 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 225 डिग्री को आप लिख सकते हैं cos 180 डिग्री प्लस, अब 180 में क्या जोड़ा जाए, 180 में क्या ऐड किया जाए कि आपका कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो 180 में अगर 45 को जोड़ते हैं, 180 में अगर 45 को जोड़ते हैं तब क्या मेरा हो जाएगा, 180 में जब 245 को जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 180 और 45 को अगर जोड़ते हैं तो मेरा किस कितना बन जाएगा, 225 बन जाएगा। यानी कॉस 225 को हम इतना भी लिख सकते हैं, cos 225 को हम 270 माइनस 45 भी लिख सकते हैं या 180 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है cos 225 का, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 225 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका, तो 225 जो आ रहा है वो आपका आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, 225 यही तो आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक और मिस्टेक किया है यहाँ पे कि चूंकि कॉस और साइन का, यहाँ पे कॉस का बात किया जा रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव हो सकता है, बाकी नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका नेगेटिव में आएगा, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे भी थर्ड क्वाड्रेंट का बात किया जा रहा है, यानी आंसर इसका नेगेटिव में आने वाला है, लेकिन कॉस के साथ क्या लेना होगा, कॉस के साथ सिर्फ 45 डिग्री लेना होगा, क्योंकि 180 डिग्री के केस में मैंने बताया है आपको कि कोई चेंज नहीं होता है, यानी कॉस किस में रहेगा, तो कॉस आपका कॉस रूप में ही रहेगा, कॉस किसके रूप में रहेगा, तो कॉसी के रूप में रहेगा अगर यहाँ 180 है तो, और यहाँ पे कितना है 45 डिग्री सिर्फ ले लेना है, तो यहाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1/√2 ही होता है कॉस 45 डिग्री का। लेकिन चूंकि ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आंसर दोनों से सेम आना है, समय भी सेम लगेगा, तो इसलिए मैंने क्या किया है यहाँ पे कि प्लस वाले को निगलेक्ट करके हम लोग चल रहे हैं, हम लोग सिर्फ माइनस वाला लेके चलेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। तो ज्यादा कॉन्सेप्ट लेके चलने से कोई फायदा नहीं है, सिवाय कंफ्यूजन के आपके पास और कुछ नहीं मिलेगा। अभी दो क्वेश्चन आपके पास और बचा हुआ है, मैं चाहूंगा कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बना करके दिखाएं। देखिए मैं बताता हूँ, साइन थीटा, साइन 150 डिग्री, अब साइन 150 डिग्री का बात कर रहे हैं, तो 150 डिग्री के जस्ट बाद कौन आता है, हम लोग ये लेकर के नहीं चलेंगे, हम लोग माइनस वाला लेके चल रहे हैं, साइन 150 डिग्री के जस्ट बाद कौन आता है, 180, 270 या 360, तो साइन 150 डिग्री के जस्ट बाद कौन आता है, 180 डिग्री आता है। तो आपको आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, 180 डिग्री के केस में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये यहाँ पे 180 डिग्री वाला केस लेगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद कौन आता है, 180 डिग्री आता है। अब जब जस्ट बाद 180 डिग्री आता है तो 180 डिग्री के केस में क्या चेंज होगा, नहीं चेंज होगा ना, तो 180 डिग्री के केस में कोई चेंज नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो साइन 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 में ही रहेगा, और उसके बाद 180 डिग्री के केस में और क्या होता है कि साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव में रहता है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव में ही रहेगा, लेकिन 180 डिग्री 150 के कितना बाद आ रहा है, तो 150 के से में अगर मैं 30 डिग्री बढ़ा दूं तो कितना आ जाएगा मेरा, 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे साइन 150 ना लिख करके साइन 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो इसका साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको मैं पूरी तरह से बनाने की बना के दिखाऊं, तो इसको हम साइन 180 डिग्री माइनस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें कितना लेके चलना है, तो साइन 150 डिग्री लेके चलना है, तो 180 माइनस 30 का भी वैल्यू कितना होगा, 185 डिग्री ना होगा, तो इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। तो साइन आपको याद होगा कि मैंने लिखवाया था आप लोगों को कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, वो भी प्लस में, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलता है कि साइन 180 को छोड़ देते हैं, सिर्फ ये वाला थीटा लेकर के चलते हैं, क्योंकि 180 ये केस में आपका चेंज नहीं होता है, साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, चेंज कब कब होता है, 90 डिग्री के केस में और 270 डिग्री के केस में, बाकी आपका 180 डिग्री रहे या 360 डिग्री रहे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है कि साइन 180 को छोड़ देना है, 180 के केस में साइन साइन में ही रहेगा, और ये वाला एंगल छूट करके सिर्फ क्या लिखाएगा, आपका थीटा का वैल्यू लिखाएगा, जो कि इसका वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन कम से कम आप लोग बना करके दिखा दे। देखिए मैं बताने जा रहा हूं 315 के जस्ट बाद कौन आता है, तो 315 के जस्ट बाद कौन आएगा, तो 360 आएगा, है ना,
315 के बाद 270 तो नहीं आ सकता है, 360 आएगा। अगर 360 आएगा फ्रेंड, 360 अगर आएगा तो यहाँ पे 360 अगर आएगा तो कोसेक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 360 आएगा तो 360 कितना बाद आएगा, तो 360 आएगा कितना, किसके बाद आएगा, तो 360 इसमें घटा करके देख लीजिए तो पता चलेगा कि 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 1 गया कितना हो गया 4, यानी जस्ट 45 डिग्री के बाद आपका 360 आ जाएगा। तो कोसेक 315 डिग्री को, चूंकि 360 का केस लगने वाला है तो 360 के केस में भी कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोसेक किस में रहेगा, कोसेक में ही रहेगा, यानी यहां पे क्या हो जाएगा आपका कोसेक 45 डिग्री आंसर होगा। और कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट टू होता है। अगर इसको बनाना चाहे तो आप लोग ऐसे करके बना सकते हैं इसके लिए कि कोसेक 315 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक 315, कोसेक 315 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कोसेक, कोसेक 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्योंकि 360 में से अगर 45 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 315 आएगा, हमें 315 लिखना था, हमने 315 ही लिखा। और जिस तरह से 180 के केस में होता है कि कोई चेंजिंग नहीं होता है, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, ये सब होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा आपका, यानी कि यहाँ पे आपका कोसेक किस में रहेगा, कोसेक में ही रहेगा, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक 45 डिग्री लिख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि चूंकि 360 डिग्री यानी ये क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, क्वाड्रेंट फोर्थ की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस में कौन कौन रहेगा, सिर्फ सेक और कॉसी प्लस में रहेगा, इसके अलावा सभी माइनस में हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे ये सेक या कॉस दिखाई दे रहा है, नहीं ना, दैट मीन्स इसका आंसर आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा, इसका आंसर किस में आएगा आपका, माइनस में आएगा, यानी माइनस कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट टू होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे हम लोग, इसी पे बेस्ड हम लोग और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन करेंगे, हम लोग स्टेप वाइज बढ़ेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो आइए अब हम लोग इसमें इक्वेशन प्रॉब्लम करते हैं कि इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा अगर कर दिया जाए तो वहां किस तरह से हम लोग यूज करते हैं इसको, वो चीज हम लोग देखते हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टेन 7 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री इंटू टेन 83 डिग्री का मान क्या होगा। ये जो आपको चार्ज, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ये और भी बड़ा हो सकता था, अब इसको छोटा कैसे किया जाए, इसको छोटा डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया जाए। फ्रेंड देखिए आमतौर पे आप सभी को पता है कि आपको पता होगा कुछ फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि जैसे कि यहाँ पे टेन और कॉट का अगर कॉम्बिनेशन बन जाए, जैसे कि यहाँ पे सभी मल्टीप्लाई में है, तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया, टेन थीटा इंटू टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपको दिखाई दे रहा है ये वैल्यूएबल नंबर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे वैल्यूएबल नंबर कैसे आ सकता है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आप सभी को कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप कह सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। लेकिन थीटा यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, ऐसा तो नहीं है ना कि ये टेन आपका थीटा के रूप में है और ये कॉट आपका ए या बी के रूप में है, ऐसा तो नहीं है। थीटा दोनों जगह थीटा का ये मतलब हुआ कि एंगल दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहां पे आप अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ना ही टेन 7 डिग्री का मैंने वैल्यू लिखवाया है, ना ही 23 डिग्री का, हालांकि ये न्यून कौन ही है, 90 डिग्री से छोटा ही है, लेकिन ना 7 डिग्री का मैंने लिखवाया है, ना 23 डिग्री का, ना 67 का, ना 83 का, 60 डिग्री का होता है, चलिए ठीक है। लेकिन तब अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो अब सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला में फॉर्मूला तब वर्क करता है जब एंगल सेम हो। जैसे मैं बात करूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 कब हो सकता है, जब मैं बात करूं कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 1 होगा। ये 1 अगर हो रहा है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके 1 होता है, लेकिन कब,
कंडीशन है कि एंगल आपका सेम होना चाहिए, क्योंकि यहां भी सेम है। अगर मैं बात करूं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और उसके बाद मैं बात करूं कॉस स्क्वायर 45 डिग्री या फिर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां केस मैंने क्या बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी एंगल सेम होना चाहिए। कि यहां पे एंगल आपका सेम दिखाई दे रहा है, यहां 30 डिग्री है और यहां 60 डिग्री है, तो ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन यहां पे एंगल सेम है तो इसका वैल्यू 1 हो सकता है। इसको आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 होता है, यानी यहां पे 1/√2 का स्क्वायर लिखना है, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 ही होता है, और इसका भी स्क्वायर लेना है, इसका भी स्क्वायर लेना है। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, तो हाफ प्लस हाफ, आधा और आधा को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है 1 मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा। आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे एक बार, उसके बाद कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है 1/2 ही होता है, तो 1/2 का यहां पे भी स्क्वायर करेंगे, तो इस आधार पे जब सॉल्व करेंगे तो यहां कितना आएगा 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2 इसका आंसर आएगा। आप जबकि आना कितना चाहिए था आपके पास, आपके पास आना चाहिए था 1 आना चाहिए था, तो फॉर्मूला में चूंकि 1 आता है तो यहां 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि एंगल आपका सेम नहीं है। अगर यही आपका यहां पे भी 30 डिग्री रहता, यहां पे भी अगर 30 डिग्री रहता, तो 30 डिग्री रहता तो इसका मतलब क्या होता, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1/2 का स्क्वायर 30 का वैल्यू आ गया, और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो यहां पे क्या हो जाता आपका √3/2 का स्क्वायर करते तो यहां पे वैल्यू चेंज हो जाता, यहां पे कितना आता 3/4 आता, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/4 आएगा, यानी इसका वैल्यू 1 होगा। मतलब यह हुआ कि एंगल सेम होना चाहिए, कोई भी पार्ट को सॉल्व करने के लिए एंगल सेम होना चाहिए या फिर उस एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जब बात कर रहा हूँ कि 7 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है तो फार्मूला यूज करेंगे, हाँ 60 डिग्री का वैल्यू पता है, यहाँ पे फार्मूला का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है 60 डिग्री का वैल्यू, टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। लेकिन यहाँ पे इन सब को हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला के रूप में सेट करना होगा, और 10 × 10 कोई फार्मूला नहीं होता है, ना ही cot × cot कोई फार्मूला होता है, हाँ 10 × cot मिल करके फार्मूला बनता है, लेकिन एंगल सेम करना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करना होगा एंगल सेम करने के लिए, देखिए सबसे पहले एक बार इसको तोड़ करके हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ कि 10 7 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, तो 10 7 डिग्री को आप लिख सकते हैं 10 90 डिग्री - 83 डिग्री, क्या इतना लिखा जा सकता है 10 90 डिग्री - 83 डिग्री। अगर 90 में से 83 किया कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। और 90 डिग्री के केस में क्या होता है, चेंज होता है, यानी इसको चेंज किस में होगा कॉट के रूप में, और एंगल कौन सा आ जाएगा 83 आ जाएगा एंगल आपका 83 आ जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद इसी तरह से हम लोग चेंज अगर करें तो बार बार इतना लिख करके चेंज करने में प्रॉब्लम होगा, जबकि हमें क्या करना है, देखिए दो 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 एंगल का पेयर बनाना है जो कि सेम हो। यहाँ एक 83 आपको दिखाई दे रहा है, तो ये 83 के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि आपको आपके सॉल्यूशन को इजी कर सकता है। लेकिन क्या इतना समय रहेगा आपके पास कि ये वाला लॉजिक आप लगा सके, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, चाहे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 83 आएगा, या इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, दोनों में से कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 7 डिग्री है, अब इसको डायरेक्ट 83 कैसे लिख सकते हैं, आपको बताना है कि 10 ये 7 डिग्री के जस्ट बाद क्या आता है 90 डिग्री आता है, 180 डिग्री या 200 या 360 90 डिग्री ही आता है ना, तो कितना जोड़ने के बाद 90 डिग्री आता है, अगर 90 डिग्री आता है
तो यहाँ पे 90 डिग्री का केस बनेगा, और जब 90 डिग्री का केस बनेगा तो tan आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा किस रूप में, तो cot के रूप में चेंज होगा। अब 90 डिग्री बनने के लिए यहाँ पे और कितना ऐड करना होगा, 7 में कितना और बढ़ाया जाए कि ये 90 डिग्री बन सकता है, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि 7 में अगर मैं 83 डिग्री बढ़ा दूँ तो ये मेरा कितना डिग्री बन सकता है, 90 डिग्री बन सकता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे tan है तो ये भी 90 डिग्री वाला केस लगेगा, तो लेकिन यहाँ पे cot के रूप में चेंज होगा। अब 23 में कितना जोड़ा जाए के 23 में कितना जोड़ा जाए कि आपका कितना डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो 23 में अगर आप 67 डिग्री यानी 67 डिग्री ऐड करते हैं तो 67 डिग्री बन जाएगा। tan 60 डिग्री को नहीं चेंज करना है क्योंकि इसका वैल्यू डायरेक्ट पता है हमें, tan 60 डिग्री। अब यहाँ पे tan 67 डिग्री इसको भी चेंज नहीं करेंगे, और tan 83 डिग्री इसको भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पेयर मिल गया मेरा, एक इसका पेयर मिला, इसका पेयर मिला यानी कि cot 83 और tan 83, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू क्या देता है, tan इंटू cot। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि एंगल आपका सेम हो गया है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको एंगल सेम दिखाई दे रहा है तो tan इंटू cot क्या होता है आपका, 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होगा। और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट 3 होता है, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल का वैल्यू रूट 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है कि cot 80 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 50 डिग्री इंटू cot 40 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री इंटू cot 10 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू आपको निकालना है। फ्रेंड ये सब एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन, में आपको बता रहा हूँ, और ये नहीं कि बस एक बार पूछा गया तो अब नहीं पूछा जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे 80 डिग्री 70 डिग्री 10 डिग्री तो समझ जाइए कि वहाँ पे चेंजिंग का ऑप्शन आएगा आपका, चेंज ही करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि 10 डिग्री और 20 डिग्री का वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पे वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करना होगा कि पहले हमको ये देखना होगा, पेयर मिलाना होगा, cot 80 डिग्री 80 में, यानी यहाँ पे 90 डिग्री वाला केस लगने वाला है, तो 90 डिग्री में केस लगने वाला है, तो यानी कि अगर इसको मैं 90 डिग्री में बदलूं तो पहले ये देख लेना है कि क्या इसका पेयर बनेगा। अगर 90 डिग्री कितना डिग्री और घट रहा है 90 डिग्री में, तो 10 डिग्री और घट रहा है, तो क्या 10 डिग्री वाला यहाँ कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है, तो पता चला हाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो पहले इन दोनों को हम साथ में लेके चल रहे हैं, इन दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, तो cot 80 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री वाला केस लग रहा है तो cot 10 के रूप में बदलेगा, लेकिन एंगल क्या हो जाएगा, 80 ना हो करके 10 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे cot 10 डिग्री पहले से दिया गया है, cot 10 डिग्री आपका पहले से दिया गया है, cot 10 डिग्री, ये दोनों खत्म हो गया। अब 70 में क्या जोड़ा जाए कि 90 हो जाएगा, तो 20, क्या 20 वाला आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको भी चेंज करने में फायदा है। तो आप ये बताएं कि cot को 90 डिग्री केस में जब चेंज करते हैं तो क्या होता है, tan के रूप में बदलेगा, तो tan 70, लेकिन यहाँ पे 70 के यहाँ पे कितना लिखना होगा, 20, क्योंकि 70 और 20 क्या होता है, 90 होता है। उसके बाद 60 डिग्री का चाहे तो बदल दे, ना चाहे तो फिर कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे 60, क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होता है और 30 डिग्री का भी वैल्यू आपको पता है, लेकिन अगर चाहे तो आप बदल दें, क्योंकि 60 और 30 मिला करके भी 90 होता है। देखिए पेयर जब भी बनाना हो तो हमेशा ध्यान में रखिएगा किसका पेयर बनेगा, कि जिसका सम आपका कितना हो, 90 डिग्री हो, यहाँ 80 डिग्री था, यहाँ 10 डिग्री था, दोनों मिलके 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पेयर बना सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, चेंज करने से एक ही आपका एंगल देगा। यहाँ पे 70 और 20 क्या होता है, 90 होता है, तो 70 और 20 90 होता है, तो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, तो 70 और 20, क्योंकि 70 20 90 होता है, तो चेंज करने से एक ही एंगल मिलेगा, तो यहाँ पे पहले तो इसको हम चेंज कर लिए tan 20, यहाँ से cot 20 फिर बाद में ले लिए। अब बात कर रहे हैं, ये दोनों का काम भी खत्म हो गया। अब बात कर रहे हैं 60, 60 चाहे तो आप चेंज कर दें, चाहे तो आप चेंज कर दें, या 60 का डायरेक्ट वैल्यू लिख दे, लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री, ये दोनों मिला के भी कितना डिग्री बनता है, अगर ये दोनों को भी मिला दिया जाए तो 90 डिग्री बनता है, तो इसको भी चेंज कर देते हैं, तो इसको चेंज करेंगे तो कितना cot आपका 10 में आ जाएगा, लेकिन एंगल क्या होगा, 60 और 30 90 होता है, तो 30 डिग्री, और यहाँ से ये 30 डिग्री वाला ले लिए, तो ये दोनों का काम भी खत्म हो गया आपका, कितना डिग्री, cot
30 डिग्री। अब ये दोनों की मैं बात करता हूं तो ये दोनों मिलकर भी कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो cot 50 डिग्री को आप किस रूप में बदल सकते हैं, tan के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन 50 में क्या ऐड किया जाए कि आपका कितना आ जाए, 90 आ जाए, तो यानी कि 40 ऐड किया जाएगा तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे cot 40 पहले से है, देखिए 40-40 का पेयर, 30-30 का पेयर, 20-20 का और 10-10 का पेयर है। अगर यहाँ पे पेयर आपको आ रहा है, अगर पेयर अगर आपका आ रहा है तो इसके इस केस में क्या होगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 इंटू इसका भी वैल्यू 1 होने वाला है, इसका भी वैल्यू 1 और उसका भी 1, यानी आपका आंसर क्या आएगा, 1 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ये इतना ही तक सीमित नहीं रहेगा, ये और भी ज़्यादा लेंदी जाता है इस तरह का क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप ये मत समझिए कि इतना ही लंबा चौड़ा पूछा जाएगा, ये आपका 1 से शुरू होकर के 89 तक ले जाया जाएगा आपको। तो आइए एक क्वेश्चन उस तरह का भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका सेम लॉजिक लगने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 में, लेकिन इसमें क्या आपको अलग क्या दिखाई दे रहा है, बस अलग इसमें ये है कि ये काफ़ी लेंदी है, मतलब 89-88 एंगल आया, 87 आया, 86 आया, इस तरह से आपका घट के कहाँ तक आ गया, 1 डिग्री तक आ गया, 1 डिग्री तक आ गया। अब इसमें कैसे पेयर बनाएंगे, कैसे पता चलेगा, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप छोटे नंबर से एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि tan जब भी आपका पेयर बनाएगा तो cot के साथ ही पेयर बनाता है, और tan बदलेगा तो cot के रूप में बदलेगा। तो यहाँ तक तो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ 89 आया है तो 89 प्लस 1 क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यानी ये दोनों का पेयर आपका कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का कौन बना रहा है, जब ये दोनों का 90 डिग्री का बना रहा है तो ये अगर इसको हम चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको अगर चेंज करेंगे तो 1 डिग्री के रूप में आ जाएगा, cot 1 डिग्री और tan 1 डिग्री मिल करके दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या बनाएगा, 1 बनाता है। तो जब भी और tan के केसेस में आपको ये पेयर दिखाई दे 90 डिग्री का तो इसका तो वैल्यू 1 हो गया, आपको पता है। 88 अगर यहाँ है तो चूंकि ये लगातार रूप से घट रहा है तो यहाँ पर 2 डिग्री भी होगा तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 87 की बात करें तो 87 तो अगर यहाँ पर 87 है तो यहाँ पर 3 डिग्री भी जोड़ रहा होगा तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आगे कब तक बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पे 9 डिग्री 8 डिग्री उसके बाद 7-6-5-4-3-2-1 अगर ये आपके साथ दिखाई दे, अगर ये है तो देखिए यहाँ से जब इस तरह का पेयर अगर हमको बनाना है तो ये दोनों मिलके तो एक पेयर बनाएगा, ये दोनों मिलकर कितना पेयर बना रहा है, एक पेयर बना रहा है, ये दोनों मिलकर के कितना पेयर बनाएगा, एक और, ये दोनों मिलके एक और पेयर बनाएगा, और ठीक उसी तरह से ये दोनों लास्ट में जो मिलेगा ये भी एक पेयर बनाएगा। यानी टोटल आपका संख्या कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ संख्या का जब केस होता है तो 9 संख्या के केस में आपका क्या होता है, लेकिन पेयर सभी कैसे बना सकता है, एक को मैंने छोड़ दिया सॉरी, ये आपका 7-3 में बनाएगा और 6-4 में। अगर इस तरह से आपको दिखाई दे तो एक लास्ट में आपका बच जाएगा, यानी बीच वाला हमेशा बच जाता है, बीच वाला हमेशा बच जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल संख्या कितना है, तो 1 से लेकर 9 तक में टोटल कितना संख्या है, तो 9 संख्या है, तो 9 संख्या अगर टोटल है तो इसमें एक एक तो आपका ऑड मिल रहा है ना, यानी अगर 8 तक की मैं बात करूं तो 8 तक में दो दो का पेयर बनाया जा सकता था, 8 तक में दो दो का पेयर बनाया जा सकता था, सिर्फ एक आपका एक्स्ट्रा बचता, लेकिन जो एक्स्ट्रा बचेगा वो कौन वाला एक्स्ट्रा बचेगा, बीच वाला एक्स्ट्रा बचेगा, क्योंकि पेयर यहाँ पे मिल रहा है फर्स्ट और लास्ट, सेकंड लास्ट और सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, इस तरह से करके। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो 1 से लेकर के 89 तक में टोटल संख्या कितना हो गया, तो टोटल आपका 89 संख्या हो गया। टोटल 89 संख्या अगर हो गया तो 89 में से अगर एक को हम बीच वाले को ख़त्म कर दें तो अब कितना बचेगा, बीच वाले को अगर ख़त्म कर दें तो बचेगा कितना, तो बीच वाले को ख़त्म कर दें तो 88 बचेगा। तो 88 के केस में टोटल पेयर कितना बनेगा, दो दो का, 88 संख्या है तो दो दो का पेयर कितना बनेगा, तो 44 पेयर बनेगा। तो 44 बार तो 1, 1, 1 आपका आएगा, तो 1, 1 चाहे जितना बार भी गुना हो सॉरी उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ तक कि 44 तक में तो आपका उसका आंसर 1 हो जाएगा, तो ये तो पता है हमें, लेकिन जो बीच वाला बचेगा वो कौन सा बीच वाला बचेगा, तो 189, 288 इस तरह से अगर बीच वाला, अगर आप बीच वाला की बात करें तो बीच में आपका ठीक बीच में कौन आ रहा है, तो आपका 10-45 आएगा,
tan 45 आएगा तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो इस तरह से क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, टोटल का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 ही आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ हम लोग। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए जहां पे भी एंगल का वैल्यू आपको ऐसा दिखाई दे जिसका वैल्यू मैंने आपको नहीं लिखवाया है, मतलब उत्पटांग सा एंगल का वैल्यू हो, तो समझ जाइए कि वहां पे चेंजिंग का ही ऑप्शन आएगा, चेंज करेंगे तभी वो सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ना ही 39 का और ना ही 51 का वैल्यू आपको लिखवाया गया है। तो यहाँ पे अब कौन सा लॉजिक यूज किया जाए, जब भी एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग बस ढूंढने की कोशिश करेंगे पेयर को। पेयर को पहचानने का तरीका क्या है, दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये दोनों का अगर पेयर बना के देखा जाए तो 39 और 51 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा ना। इसका मतलब क्या है कि ये पेयर बन सकता है। तो यहाँ पे साइन 39 डिग्री डिवाइडेड बाय, और अगर कॉस को साइन के रूप में बदला जाए, चूंकि 90 डिग्री का केस है तो ये अगर साइन के रूप में बदल जाएगा तो यहाँ पे 51 है, तो 51 में कितना ऐड किया जाए कि आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना आएगा, 39 ही आएगा। तो इसका वैल्यू अब ये सॉल्व हो सकता है क्या, देखिए दोनों बराबर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर बात करें कि tan 11 और 11 में क्या ऐड किया जाए कि 90 डिग्री होगा, तो 11 में अगर 79 ऐड करते हैं तो 90 डिग्री होता है, यानी ये दोनों का पेयर बन रहा है मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में tan का जब पेयर बनता है 90 डिग्री केस में तो इनका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 2 तो यहाँ पे ऐसे ही था, ये 1 हो गया। उसके बाद 31 में क्या ऐड किया जाए कि आपका कितना हो जाएगा, 31 में अगर 59 ऐड किया जाए तो 90 डिग्री का पेयर कोण बनाता है, तो यहाँ पे ये दोनों का भी पेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। और tan 45 डिग्री का वैल्यू आप सभी को पता है कितना होता है, 1 होता है। -3 इंटू अब साइन स्क्वायर 21 और साइन स्क्वायर 69, ऐसा कोई वैल्यू मैंने नहीं लिखवाया आपको। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, लेकिन वहां पे एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहले तो यहाँ पे एंगल सेम करेंगे, तो एक काम करते हैं साइन स्क्वायर 21 ही छोड़ देते हैं इसको, प्लस इसको कॉस में बदल देते हैं। तो कॉस में जब बदल देंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या एंगल 69 ही रहेगा, नहीं ना। साइन जब कॉस में बदल रहा है तो इसका मतलब एंगल क्या होगा, तो 90 में से 69 को अगर लेस करेंगे तो जो बचेगा वही एंगल बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 21 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आपका एंगल सेम हो रहा है, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जब ऐड करते हैं तो क्या बनता है, 1 बनता है। अब इसको बस सॉल्व करना रह गया आपको, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। -3 अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जब आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में जरा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसी में हम लोग बात थोड़ा सा कर लेंगे कि अगर 360 डिग्री से भी ज़्यादा का अगर केस हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं उस तरह के केस को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए अगर साइन 420 का वैल्यू आपको निकालना है, अब इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो अब यहाँ पे प्लस वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा। देखिए यहाँ से बात करें तो यहाँ पे टोटल सर्कल कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पे 360 डिग्री से तो ज़्यादा का वैल्यू है, तब आपको इस तरह से लिखना होगा कि साइन, दरअसल यहाँ पे 360 में और क्या ऐड किया जाए कि आपका कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो 360 में अगर 60 डिग्री ऐड करते हैं तो कितना डिग्री बनता है, 420 का केस बनता है। अब 420 का केस यहाँ पे बन रहा है, तो 360 पहले तो हमें यह देखना है कि 360 डिग्री के केस में क्या चेंज होता है, तो आपको पता होगा कि 360 डिग्री के केस में कोई चेंज नहीं होता है, यानी साइन साइन में ही रहता है। अब यहाँ पे 360 प्लस 60 यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में आपका आ रहा है, तो आपको पता है कि इस क्वाड्रेंट में आपका सभी किस में होता है, सभी प्लस में ही होता है। इस वाले क्वाड्रेंट में जब भी आएगा तो सभी किस में होगा, आपका प्लस में होगा। जब सभी प्लस में हो रहा है तो ऐसे केसेस में यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा कि 3 यहाँ पे प्लस ही साइन रहेगा, और यहाँ पे एंगल कौन सा आ जाएगा, सिर्फ 60 डिग्री रहेगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पे
765 है। तो पूरा अगर एक सर्कल घुमा जाए तो कितना बन जाएगा, 365 बन जाएगा। फिर और एक सर्कल 360 बनेगा, फिर और एक सर्कल फिर से घुमा जाएगा तो 360 फिर से बन रहा है। तो 360 और 360 को जब ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 720 हो जाता है। अब जब 720 हो रहा है यहाँ पे, यानी 720 में 720 दो कंप्लीट सर्कल यहाँ से बन रहा है, दो कंप्लीट सर्कल, और 720 में अगर और 45 को जोड़ दे तो तब भी आपका यहीं पे बन रहा है, यानी यहाँ पर भी इसी क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो जब आपका डबल दो बर्तवा अगर रिपीट होता है सर्कल, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना होता है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2 × 360 - और प्लस कितना हो रहा है इसमें, 45 डिग्री हो रहा है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो 360 के केस में आपका क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री ही लिख सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए ये भी आपका क्या रहेगा, प्लस में ही रहेगा। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच।